हे गाइस वेलकम बैक दोस्तों, फाइनली 0.19.0 का अपडेट आ चुका है प्ले स्टोर में। एंड ये पबजी मोबाइल का अब तक का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है 1.8 GB का। एंड इतने बड़े अपडेट में क्या क्या पबजी मोबाइल ने नई चीज़ें लाई हैं, न्यू व्हीकल लाई है, न्यू मैप लाया है, न्यू गन लाया है, एंड साथ ही साथ एक अनरैंक्ड क्लासिक आया है, ये एक न्यू इवेंट आया है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नई है। एंड इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही मुश्किल से 1.8 GB का अपडेट ये पूरा कम्प्लीट किया। एंड उसके बाद मुझे देखने को क्या मिला, क्लासिक में लिविक मैप। एंड ये अभी बीटा वर्जन में है, जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे बीटा लिखा हुआ है, मतलब कि ये पूरी तरह से रेडी नहीं है, ये एक टेस्टिंग वर्जन है। सो यहाँ पे पबजी वालों ने इसे रिलीज कर दिया है। एंड उसके नीचे आया है अनरैंक्ड क्लासिक, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बारे में दोस्तों काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ, इसे जब आप प्ले करोगे तो रैंडमली 5 मैप में से कोई भी एक मैप लग जाएगा एंड उसके बाद आप उसे खेल सकते हो। और इसमें फ़ायदा क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आप देखोगे कई सारे मिशन है, इन मिशन को आपको कंप्लीट करना है। एंड इन मिशन को कंप्लीट करने के आपको पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये जो पॉइंट होंगे ये आपके सीजन 14 में काउंट होंगे, जहाँ दोस्तों सीजन 13 से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सीजन 14 में आपका काउंट होगा। जैसे कि आप प्लेटिनम 1 पे जाओगे, जितने रैंक आप पुश करोगे इसमें उतना काउंट हो जाएगा, तो आप प्लेटिनम 2 पे भी जा सकते हो डायरेक्टली, सॉरी प्लेटिनम 2 नहीं, प्लेटिनम से डायरेक्ट डायमंड पे आप जा सकते हो। सो ऐसा ये मतलब है, ये एक न्यू अनरैंक्ड क्लासिक है जिसमें आप पहले से ही रैंक पुश कर सकते हैं, बट ये सिर्फ 7 डेज के लिए है। एंड साथ ही साथ एक न्यू सेटिंग आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट सेटिंग। इसमें दोस्तों आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अदर इफेक्ट में आप रेड एंड ग्रीन देख सकते हो। साथ ही साथ ऊपर देखोगे दोस्तों तो वहाँ पे हिट इफेक्ट है एंड एक है डैमेज इफेक्ट। तो जब आप गोली मारोगे तो जो हिटिंग होती है उसका कैसा इफेक्ट होना चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जब आपको डैमेज पड़ेगा तो कैसा उसका हिटिंग इफेक्ट होगा, जो कलर होगा वो कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को अब मिल जाएंगी। एंड बाकी तो कुछ भी यहाँ पर नई सेटिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हमारे चेयर पार्क में। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं चेयर पार्क में। एंड ये एक चेयर पार्क का अपडेट वर्जन है, बोल सकते हो जो चेयर पार्क 2.0 ये आ चुका है। एंड इसमें काफी सारी नई चीजें हैं, लाइक ये जो हमारा अम्यूजमेंट पार्क आया था उसमें आपको ये चीज देखने को मिली थी। एंड इसकी अब आप यहाँ पे चेयर पार्क में भी सवारी कर सकते हो एंड डेली ये कर सकते हो, मतलब ये एक एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही सही बना दिया है पबजी वालों ने। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो ये ऑन करके भाई फुल टाइम पास कर लो, बट आई नो इतना तो किसी के पास समय नहीं होता कि यहाँ पे आके टाइम पास करें। एंड उसके बाद यहाँ पे हॉट एयर बलून भी देखने को आपको मिल जाती है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। एंड भाई थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं इस समय मुंबई में नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ बोल सकते हो ना अपने गाँव में आया हूँ बाहर एकदम, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको शोरगुल सुनाई देगा, बट उसके लिए प्लीज़ सॉरी एंड इग्नोर करना उसे। सो अब हम थोड़ा सा हॉट एयर बलून को ट्रैवल करते हैं एंड इन्जॉय करते हैं यार फिलहाल के लिए। तो ये एक न्यू फीचर ऐड कर दिया है चेयर पार्क में। एंड ये चेयर पार्क पहले वाला जो हमारा चेयर पार्क था ना उसमें ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी, बट यहाँ पे अब ये सारी की सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सो काफ़ी सही चीज़ है यार, ऐसी वैसे पबजी मोबाइल तो नई नई चीज़ें लाता रहता है हम सभी के लिए, ताकि उसके जो प्लेयर्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे एंड कोई और गेम की तरफ अट्रैक्ट ना हो। इस वजह से पबजी मोबाइल हमेशा हम सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता है। एंड आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये चेयर पार्क 2.2 कैसा लगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये पोचिंकी के पास जो आपको नाला देखने को मिलता है, गटर देखने को मिलता है, वो यहाँ पर भी अब आपको देखने को मिलेगा। सो यार फुल इन्जॉय करो आके चेयर पार्क में। एंड उसके बाद दोस्तों आइए मैं आपको और भी काफ़ी सारी न्यू अचीवमेंट आई हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अचीवमेंट में, तो पहले वाले सेक्शन में कोई भी नया अचीवमेंट नहीं है, दूसरे वाले सेक्शन में यहाँ पे हमें एक न्यू अचीवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो तो आप इसे कंप्लीट करोगे तो आपको एजी करेंसी एंड क्लासिक क्रेड कूपन वगैरह मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और न्यू चीज़ देखने को मिल रही है, लीजेंड ऑफ द एफ जॉर्ड, ये क्या है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। एंड उसके बाद और भी न्यू अचीवमेंट है, यहाँ पे आपको चार अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इलेट क्लैन का आपको यहाँ पे कुछ न्यू अचीवमेंट है, जिसमें आपको क्लासिक क्रेड कूपन, एजी करेंसी एंड बीपी कॉइन वगैरह मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको विटनेस ऑफ द थ्रेट
एंड ये भी एक न्यू आपको अचीवमेंट देखने को अब मिलेगा 0.19.0 के अपडेट में। एंड उसके बाद दोस्तों आइए मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा डाउनलोड रिवॉर्ड्स होते हैं उसमें पबजी वालों ने हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीपी कॉइन एंड सिल्वर कॉइन, अगर आप जो हमारा पूरा का पूरा रिसोर्स पैक है उसे डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारी की सारी रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, आप जैसा कि खुद देख सकते हो। सो अगर आप रिसोर्स पैक पूरा डाउनलोड करोगे तो यही सारी फालतू की चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी अच्छा चीज़ यहाँ पे पबजी वालों ने हमें नहीं दिया है। पहले तो प्रीमियम क्रिएट कूपन, क्लासिक क्रिएट कूपन, पबजी क्रिएट कूपन ये सब मिलता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहे हैं बीपी कॉइन, सिल्वर कॉइन एंड पैराशूट ट्रेल, क्या यही है ना, वो जो पीछे से धुआं निकलता है वही। एंड उसके बाद दोस्तों आइए अब हम थोड़ा सा लिविक मैप में चलते हैं एंड आपको एक छोटा सा गेम प्ले दिखाता हूँ लिविक मैप का, एंड देखते हैं ग्राफिक्स कैसा है, साथ ही साथ उसके जो न्यू गन आई है MK12 वो कैसी है, साथ ही साथ जो न्यू ट्रक आई है वो कैसा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा मैंने गेम प्ले ऐड किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड ये आप देख सकते हो आपका पूरा का पूरा लिविक मैप है, आप इस मैप को पूरा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा इस मैप में हमें क्या क्या न्यू चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं कहीं पे भी मैं लैंड करने वाला हूँ, मुझे लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे ज़्यादा बंदे आते हैं, मैं ऐसे रैंडमली कहीं पे भी लैंड कर रहा। एंड यहाँ पे मैंने वैसे देखा जाए तो इस गेम प्ले में मैंने 10 किल किए थे टोटल, पूरा गेम प्ले आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया है, 8 किल तक मैंने इसमें ऐड किया है। बट सही है यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था इस गेम प्ले में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये गेम चल रहा था, कहीं पे भी लैग नहीं हो रहा था, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, अभी तक मुझे कोई बग्स एंड ग्लिचेस इस मैप में देखने को नहीं मिली, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। एंड ये जो आप देखोगे बिल्डिंग्स की क्वालिटी है वो बहुत सही यहाँ पे इन्होंने बनाई है, एंड साथ ही साथ जो गन स्पॉन किया है इन्होंने बहुत ही सही है, एक घर में ही आपको काफ़ी अच्छी गन मिल जाएंगी, आपको कहीं और लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ से मैं गन उठा के डायरेक्ट आ गया बंदों को मारने, यहाँ पे मुझे एक सांप बना हुआ दिखाई दिया तो मैंने उसे फटाक से किल कर दिया, एंड उसके पास ही आई थिंक ये बॉट भाग रहा था तो उसे भी मैंने ईजिली मार दिया। तो ये एक जस्ट छोटा सा गेम प्ले है, मैंने सोलो में स्टार्ट किया था कि देखने के लिए कि ये मैप कैसा है, मैंने इसे बीटा वर्जन में खेला था तो काफ़ी सही था, लेकिन ग्लोबल वर्जन में खेलने के बाद मुझे पता चला ये बहुत ही ज़्यादा सही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सही है, सामने एक बंदा था उसे पता नहीं थी मेरी लोकेशन एंड इजीली मैंने इसे भी AKM से भर दिया। सो काफ़ी सही लग रहा था मुझे, इसकी ग्राफिक्स एंड जो बोल सकते हो ना स्मूथनेस, गेम की स्मूथनेस काफ़ी सही थी, एकदम मक्खन की तरह चल रही थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया था इस बंदे को मारने में। मैं मेरी AKM की गोलियां ख़त्म हो गई थी, मैंने फटाक से गन चेंज किया था, बट मुझे लगा यहाँ पे मैं मर जाऊँगा क्योंकि यार DP का आपको भी पता है क्लोज रेंज में थोड़ा सा स्लो रहती है, बट थोड़ा सा बंदा बोल सकते हो नूब था या फिर जो भी बोल लो, बच गया यहाँ पे, गुड लक भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे मैं बच गया। एंड यहाँ पे मैंने लूट किया, लूट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे मिली एक न्यू गन MK12, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, तो मुझे ये गन चाहिए थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ MK12 कैसी गन है। एंड इसमें आपको एक गुड न्यूज़ ये बताऊँ कि 5 पॉइंट की एमो लगने वाली है, 7 की एमो नहीं लगेगी, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये बंदा ट्रक खड़ी करके पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैंने इसे भी ईजिली भर दिया। सो आपको बता दूँ इसमें आपको 15 मिनट का पूरा मैप होने वाला है, एंड ईजिली दोस्तों आप लोग इसमें बहुत सही रैंक पुश कर सकते हो, ज़्यादा प्लस तो आपको नहीं मिलेगा बट ठीक ठाक मिल जाएगा अगर आपकी लॉबी सही रहेगी एंड ज़्यादा किल करोगे तो काफ़ी सही आपको प्लस मिल जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में मैंने नोटिस नहीं करी कि ये इसमें कितने बंदे स्टार्टिंग से हैं, मैंने नोटिस नहीं करा, आप लोगों ने अगर किया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये लिविक मैप कैसा लगा है, आप लोगों को पसंद आया या फिर नहीं पसंद आया, आप लोग प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे मैं जा रहा था कि MK12 को यूज़ करने, देखने जा रहा था कि कितना डैमेज है, तो यहाँ पे मुझे एक बॉट दिख गया एंड इस बॉट के ऊपर मैंने एक शॉट में ट्राई किया एंड काफ़ी सही यार, एक ही शॉट में ये बंदा बॉट मर गया, बंदा नहीं बॉट था, एक ही शॉट में मर गया। फिर उसके बाद सामने मुझे एक बंदा भी दिखाई दिया तो इसे मैं MK से मार रहा था, आप देख सकते हो उतना सही डैमेज नहीं था, इतने में तो अगर MK14 होता तो बंदा कब का मर जाता, बट इसमें 5 की एमो लग रही है तो उस हिसाब से सही डैमेज दे रहा है एंड सही है, टैप टैप मिनी की तरह आप बोल सकते हो, मिनी का ये एक अपडेट वर्जन है एंड काफ़ी सही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका टैप टैप अच्छा है, एंड टैप टैप क्लोज रेंज में काफ़ी सही है, 20 एमओ इसमें लगती है एंड आई डोंट नो कि इसमें एक्सटेंडेड लगता है या फिर नहीं, मैंने ये सब ट्राई नहीं किया,
यहाँ पे देखने में तो लग रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिली, तो मैं इसे थोड़ा सा ट्रैवल करने आ गया कि देखते हैं मॉन्स्टर ट्रक इस मैप में कैसा चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम स्मूथ चल रहा है यार, अगर बोले तो बीटा वर्जन में जैसा चल रहा था ना बीटा वर्जन से, तो यार काफ़ी सही चल रहा है। यार थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, सॉरी उसके लिए। इसे मैं पानी में भी ट्राई करने के लिए लेके गया कि यहाँ पे तो पानी उतना सही नहीं था, बट आगे की तरफ मैंने मैप में देखा कहाँ पे पानी है, काफ़ी लोग इसे बोले थे कि पानी में भी चलेगा, आई थिंक मैंने भी बोला था, तो मैं सोचा कि चलो पानी में ट्राई करते हैं। तो आपको पता है क्या हुआ, आइए आपको मैं दिखा देता हूँ, आप खुद देखना कि क्या सीन हुआ था यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी यहाँ पे, मैं इसे पानी में लेकर आया और जो मॉन्स्टर ट्रक है ये पूरा पलट गई। मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये पानी में चलेगी, जब ये ग्लोबल वर्जन में आ चुका है तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता ये पानी में चलेगी। अब आप लोग अपना मुझे जो ओपिनियन होती है ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है ये पानी में तैरेगी। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे उलट गई यार आते ही पानी में। सो ये पूरा का पूरा न्यू चीज़ थी दोस्तों, लिविक मैप एंड काफ़ी सही मैप यहाँ पे पबजी वालों ने ऐड कर दिया है, बोल सकते हो सेनॉक से तो काफ़ी ज़्यादा सही है, सेनॉक वीकेंडी से सही है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिविक एडवेंचर करके एक न्यू इवेंट है, तो इसे भी आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, देख लीजिए। आपको आउटफिट मिलेगा, एजी करेंसी मिलेगा एंड क्लासिक क्रेट कूपन स्क्रैप मिलेगा, हेलमेट नहीं बोल सकते हो, हेड गियर एंड साथ ही साथ एक आउटफिट है। एंड ये एक परमानेंट नहीं है, ये एक कुछ दिनों के लिए आपको दिया जाएगा। सो गाइस ये थी 0.19.0 का पूरा अपडेट, अगर कुछ मिस हो गया है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मिस हुआ है। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।